नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। तुलिंज काजूपाड़ा परिसर में मौजूद दत्ता चौल में चोरी कर रहे चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके हाथ बांधकर तुलिंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये चोर दत्ता चौल के बंद पड़े घर की खिड़की तोड़कर चोरी कर रहा था। दरअसल चोरी करने के दौरान खिड़की तोड़ते समय पड़ोसियों को बंद घर से कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने टूटी खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उन्हें ये चोर नजर आया। पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इसे घर में रखे संदूक खोलते हुए सोफे पर बैठे पाया था और ये संदूक में पड़े सामान को चेक कर रहा था। पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि चोर उनके पड़ोसी के घर चोरी कर रहा है। दत्ता चौल के लोगों ने तुरंत चोर को पकड़कर पहले उसे रस्सी के सहारे एक खंभे से बांधा, उसके बाद पुलिस को कॉल कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच लोगों ने उसका वीडियो भी शूट कर लिया और शेयर भी किया है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार शहर में चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ देश के नागरिक कोरोना वायरस से परेशान हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ चोरों ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बाद से मुंबई और उसके उपनगरों में रहने वाले कई लोग अपने घर बंद कर गांव चले गए हैं। ऐसे में इन्हीं बंद घरों को निशाना बनाकर चोर फायदा उठा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।